जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं खुद बीएड प्रीवियस ईयर की छात्रा हूं और मैं खुद सोचती हूं कि कॉलेज जाऊं या नहीं जाऊं। मेरा कॉलेज यहां से बहुत दूर है और कॉलेज जाने के बसेस में कहीं भी छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। और जो घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है उसे लेकर माता पिता में भी ये खौफ रहता है कि हमारी बच्ची अकेले पढ़ने जा रही है तो वो कहाँ सुरक्षित है नहीं है। और ये जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और हम गलत सरकार से ये मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निश्चित कदम उठाए और महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस कार्यालय और स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी अस्पतालों में अभी भी मतलब पुलिस भी है ना, लेकिन कोई इच्छुक नहीं उठा रहे हैं। और कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसके लिए अशोक गहलोत कोई ऑब्जेक्शन मतलब उठा नहीं रही है। आप एबीवी के नाते क्या मांग करना चाहती है? एबीवी के छात्रा होने के नाते क्या मांग? अशोक गहलोत या इसके प्रति कोई मतलब कार्य करे या अपना इस्तीफा दे दे। जोधपुर महानगर द्वारा और जोधपुर की पूरे जो भी महानगर के विभिन्न कैंपस हैं उन सभी के विद्यार्थियों के आज साथ में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसके अंदर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के अंदर ये मांग कर रही है और प्रदेश भर के अंदर आज आंदोलन किया जा रहा है, जो राज्य सरकार द्वारा गहलोत सरकार द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए अराजकता का माहौल पैदा किया गया है राजस्थान के अंदर, जिसमें आए दिन जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ में, जहां पुलिस थाने के अंदर और अस्पताल के अंदर दुष्कर्म की घटनाएं जैसी की जा रही है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गहलोत सरकार बिल्कुल आँख मूंद कर इसके ऊपर चुप बैठी है और एक अराजकता फैलाने का माहौल जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे विद्यार्थियों की अगर विद्यार्थी अपनी मांग लेकर जो पुलिस प्रशासन के पास या कुलपति प्रशासन के पास जाता है तो कुलपति द्वारा लाठीचार्ज करवा कर उनकी मांगों को दबाया जाता है। यहाँ पर समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही है, परीक्षाएं अगर आयोजित कराई जाती है तो उनका जो रिजल्ट है उनको डिक्लेयर करने में लेट कर दिया जाता है, जिसके कारण नई भर्तियों में विद्यार्थी जुड़ नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर जोधपुर और राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल राजस्थान सरकार द्वारा पैदा किया है और ऐसी नाकारा और निकम्मी सरकार को विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग बहुत अच्छे से जवाब देना जानता है। आज सांकेतिक धरना देकर कुलपति के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्राण जोशी, जोधपुर महानगर मंत्री।